भारत माता के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्तदान महादान के अभियान में गायत्री परिवार आगरा द्वारा कमलानगर स्थित लोकहितम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन के इस कार्यक्रम में लोकहितम ब्लड बैंक पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के समक्ष दीपांजलि समर्पित की, जिसमें उपस्थित सभी गायत्री परिजनों एवं रक्तदान यूनियन गायत्री मंत्र के सामने प्रार्थना की। शिविर में पहुंचे उत्साही युवा और नए राष्ट्रीय जन कल्याण के नियमित यूनिट रक्तदान कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्राणनाथ श्रद्धांजलि अर्पित की। गायत्री परिवार द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया एवं फलाहार जूस आदि की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन लोकहितम ब्लड बैंक कमलानगर आगरा पर हुआ, जिसमें गायत्री परिजनों के द्वारा भी भाग लिया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अतुल की रिपोर्ट। आज का जो रक्तदान महादान जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का आह्वान है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से युवा प्रकोष्ठ इस पर कार्य कर रहा है और आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। इसी उपलक्ष्य में हमारे युवा प्रकोष्ठ के द्वारा आगरा जिला में ये रक्तदान का शिविर रखा गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में भी हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने समाज के लिए युग निर्माण योजना चालू की है। उसके अंतर्गत हमारे विभिन्न आंदोलन चलाए जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में भी चलाए जा रहे हैं। उसके अंदर हमारा संवेदना प्रोजेक्ट के अंतर्गत जगह जगह ये रक्तदान का कार्यक्रम आज हमारा चल रहा है। हरिद्वार हमारा जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है, उसका केंद्र हरिद्वार है, उसकी स्वर्ण जयंती वर्ष एवं सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें रक्तदान मतलब हमारे पूरे प्रांतीय लेवल पर मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब ये प्रोग्राम रखा गया है और 1000 से अधिक यूनिट का लक्ष्य रखा गया है।